एड्स का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी इंसान का इम्यूनिटी कम हो जाना, वजह क्या है वो अलग है, लेकिन कम हो जाना यानी कि उसके अंदर जो लड़ाई करने की क्षमता है अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कम है, इसे कहते हैं एड्स, राइट। सो दैट इज द इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। सो अब आता है एचआईवी एड्स क्या है, राइट। एचआईवी, राइट, सो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक ऐसा वायरस जो ब्लड के थ्रू, जैसे कि बताते हैं, आपके बॉडी में अंदर कर आ सकता है, या ऐसे इंसान जिसको ऑलरेडी ये है उसके साथ अगर सेक्सुअल एनकाउंटर हो तो उससे आपके बॉडी में आ जाएगा, और अगर आ जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी, यानी कि आप जल्दी मर जाएंगे, और उस जल्दी मरने से बचने के लिए आपको उस दवा पे लगा जाएगा, उससे आपकी मौत तो होगी लेकिन देर से होगी, लेकिन पेनफुल डेथ होगी तब भी। ये है कन्वेंशनल चीज़ें जो कि आपको ऑलरेडी जो आपको पता है वो ये है। असलियत क्या है, ये सारी बुक में दिया है, और बुक आने से पहले इस बुक में जो भी कुछ मैंने लिखा है वो जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में वो पब्लिश हुआ है और वो अब आप तक आ रहा है। मैं इसमें थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। एच, कई सारे वायरस हैं, हजारों वायरस होते हैं इस दुनिया में, इधर भी अनगिनत वायरस हैं, राइट, आपके बॉडी के अंदर भी हजारों वायरस हैं। तो वायरस के बीच में ही हम रहते हैं, सिर्फ वो इनविजिबल है इसलिए हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम वायरस के बीच में रहते हैं, ऐसी हमारी बॉडी बनी है। नंबर वन, उनमें से एक वायरस है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, 1984 से लेकर आज तक जब पहली बार ऐलान किया गया था कि यह वायरस से एड्स होता है, यह वायरस कभी भी आज तक किसी भी इंसान के शरीर के अंदर पाया नहीं गया है। आपके दिमाग में सवाल होंगे, उसको भी लिखिएगा, लेकिन मैं आपको जवाब देता हूं कैसे। जब भी कभी ये बता करते हैं कि आप एचआईवी पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो कई सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन जो बहुत पॉपुलर टेस्ट हैं जो आपके हमारे इंडिया में होता है या ज़्यादातर देशों में होता है, वो ये टेस्ट है। यहाँ पे खून का एक बूंद डाल देंगे और यहाँ पे अगर लाइन आ जाएगी, दो या एक लाइन आ जाएगी, तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर एचआईवी है। वो लाइन कैसे बनता है वो ज़रा ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान समझिए, बिकॉज मैं इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एचआईवी, इट इज़ ऑल अबाउट, उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कोई भी इन्फेक्शन कैसे होता है और आपको क्या करना है। पहले तो लाइन कैसे आता है, जब भी आपके बॉडी में कोई भी वायरस अटैक करता है तो बॉडी क्या करता है, उससे लड़ने के लिए उस तरह के वेपन्स, औजार तैयार करता है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एंटीबॉडीज, मेडिकल भाषा में बोलेंगे एंटीबॉडीज, यानी कि जब भी कोई वायरस बॉडी में आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई लुटेरा आएगा तो आप क्या करेंगे, बंदूक निकालेंगे, कोई छोटा सा चोर आएगा आप एक डंडा निकालेंगे, है ना, तो ठीक, कोई कुत्ता आएगा तो अकॉर्डिंगली पत्थर उठाएंगे। तो आपके पास बहुत सारे औजार हैं, और दुश्मन को देख के कौन सा औजार काम करेगा वो उठा के फेंकेंगे, राइट। अब ठीक इसी तरह से हमारा बॉडी करता है, जिस तरह का वायरस, जिस तरह का बैक्टीरिया आता है, उस तरह का औजार बॉडी में ऑलरेडी है, बॉडी वो टूल उठाता है, उसको फेंकता है और वो मर जाता है। ये टेस्ट से ये पता चलता है कि वो जो औजार बॉडी में है वो औजार है या नहीं। ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये वायरस का टेस्ट नहीं है, वो औजार है क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के घर में जाएंगे, देखेंगे उसके घर में बंदूक है या नहीं, उससे ये पता चलेगा बंदूक अभी भी वो नली साफ कर रहा है, मतलब अभी बंदूक से किसी को मार के आया है, अभी लड़के आया है, राइट। बंदूक होने का मतलब चोर और बंदूक एक साथ नहीं रह सकते, बंदूक है इसका मतलब चोर था लेकिन अब नहीं है, वन, राइट। तो ये टेस्ट वो बंदूक है कि नहीं, वो बंदूक निकली कि नहीं, पत्थर निकला कि नहीं, लकड़ी निकली कि नहीं, वो जो भी उसका डिफेंस मैकेनिज्म वो एक्टिव हुआ कि नहीं, ये वो टेस्ट बताता है कि हाँ ये एक्टिव हो चुका है, और उस एक्टिव का मतलब ये है कि वो जो वायरस है वो था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि दोनों, कभी भी औजार और मुजरिम साथ साथ नहीं हो सकते, चोर भी इधर खड़ा है बंदूक भी मेरे पास में, नहीं हो सकता, राइट। मैं आपको सिंपल भाषा समझा रहा हूँ, मेडिकली समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसकी सार बता रहा हूँ, ये बुक में है, बुक आप खरीद सकते हैं, जो बुक खरीदना नहीं चाहते वो अपनी फीडबैक फॉर्म में लिख दें कि मुझे ई बुक भेज दो, ई बुक तो आपको फ्री में मैं ईमेल कर दूंगा, तो सारा कंटेंट पता चल जाएगा। अब मेडिकल साइंस ये मानता है कि अगर ये बता रहा है कि वो वाला एंटीबॉडी यानी कि वो औजार है बॉडी में, बॉडी को वो औजार बनाने की जरूरत पड़ी है, इसका मतलब वो वायरस होगा, तभी तो औजार बनाया बॉडी ने, गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो इस बेसिस पे बोलते हैं कि आपको एचआईवी पॉजिटिव है, एचआईवी पॉजिटिव नहीं, इसका होना चाहिए एचआईवी एंटीबॉडी पॉजिटिव, गेटिंग द पॉइंट। ये टेस्ट एचआईवी का टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट के पेपर में अगर
डब्बे में देखेंगे इट इज नॉट एचआईवी टेस्ट, वो छोटा छोटा लिख देते हैं, ये एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट है, मतलब आपके बॉडी में एचआईवी का एंटीबॉडी पाया गया, एचआईवी वायरस पाया गया ऐसा नहीं है, राइट? ऐसा कोई टेस्ट दुनिया में बना नहीं है जो ये बताए आपकी बॉडी में एचआईवी वायरस पाया गया, नहीं, एचआईवी के एंटीबॉडी पाया गया, एंटीबॉडी का मतलब वायरस हो सकता है, दैट्स ऑल, राइट? कंफर्मेटरी नहीं है ये, इसके लैपर में मिल जाएगा, बड़े वाला डब्बे में, बड़े डब्बे में छोटे छोटे पैकेट आते हैं उसमें मिल जाएगा, ये कोई नई बात नहीं, आप तो खरीद कर देख सकते हैं, पहली बात। चलो एंटीबॉडी भी है, इसका मतलब भी तो हो सकता है कि एचआईवी वायरस हो। एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको ट्यूबरक्लोसिस होगा, निमोनिया होगा, लंबे समय तक डायरिया रहेगा, फीवर होगा, एक्सट्रीम फीवर होगा, प्रेग्नेंट वुमेन को भी, या किसी तरह के कई सारे तरह के कैंसर या कई सारे तरह के इन्फेक्शन, इस दौरान आपकी बॉडी न जाने क्यों एक वायरस खुद ब खुद बनाती है अपने अंदर ही, उसे कहते हैं, मैंने बताया HERV, ह्यूमन एंडोजेनस रेट्रो वायरस। वो वायरस से लड़ने के लिए भी बॉडी खुद ही वायरस बना रही है, खुद ही लड़ने के लिए औजार, औजार को इंग्लिश में अभी मेडिकली क्या बोलेंगे, एंटीबॉडीज बनाती है। वो जो एंटीबॉडी बनाती है, ये जो है टेस्ट है, जब करते हैं तो वो टेस्ट में जो आता है वो एक्चुअली वो एंटीबॉडी है, राइट? अच्छा, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऑलरेडी ये प्रूवन है, राइट, कि वो एंटीबॉडी, क्योंकि मान लो एक एक चोर आता है तब भी डंडे से भगा सकते हैं, राइट, और एक कुत्ता आता है तब भी दोनों में डंडा यूज कर सकते हैं, सेम टूल। तो कुछ टूल बॉडी के ऐसे हैं जो टूल बॉडी तब यूज कर सकता है जब HIV वाला वायरस हो, या वही वाला टूल यूज कर सकता है जब कोई और वायरस हो, सेम टूल, एक ही टूल। इस टूल से ये हो सकता है कि ये चार तरह के दुश्मन है, उन चारों दुश्मन में बॉडी ये टूल यूज करता है। तो ट्यूबरक्लोसिस में जिस तरह के दुश्मन पैदा हो जाते हैं उसमें जो बॉडी टूल यूज करता है वही वाला टूल का ये टेस्ट है, दैट इज दिस टेस्ट, राइट? ये और अंदर डीप में जाएंगे तो ये सारे कुछ वो बुक में तभी लिखा है, क्योंकि ये भाषण में नहीं समझ आ सकता, भाषण में तो इतना ही आसान समझ आ सकता है। तो HIV टेस्ट इज नो टेस्ट एट ऑल, इट इज कॉल्ड HIV का एंटीबॉडी टेस्ट, एंड दैट एंटीबॉडी मे नॉट रिप्रेजेंट HIV, इट मे रिप्रेजेंट बॉडी में हजारों वायरस है उनमें से, राइट? क्योंकि डंडा कभी भी निकाल सकते हैं, कोई ना कोई दुश्मन होगा, वो दुश्मन गधा भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, वो दुश्मन एक चोर भी हो सकता है, वो दुश्मन कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इसने डंडा उठाया तो कोई चोरी आ गया था, लेवल कर दिया, तो वो इनकंक्लूसिव है। इसलिए सारे टेस्ट डिस्क्लेमर में लिख देते हैं ये टेस्ट कोई पुख्ता नहीं है, पुख्ता नहीं है, ये लिखा ही है इसमें कि ये टेस्ट के बेसिस पे कोई थेरेपी शुरू नहीं की जा सकती, बिकॉज कंफर्मेटरी नहीं है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, एक्चुअली कंफर्मेटरी टेस्ट कोई भी नहीं है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद एक मेडिसिन, पहले तो इससे आपको दिखा दिया, देखो ये पॉजिटिव है, आपको समझा दिया आप तो HIV है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, HIV वाले में प्रोटोकॉल है पूरे मेडिकल उसमें कि छुपके बोलना है, पेशेंट को अलग से बुला के भाई साहब इधर आइए कान में बोलना है, ये प्रोटोकॉल है, राइट? जब डायबिटीज में तो ओपनली बोलता है, आपको डायबिटीज निकला जोर से बोलता है ना डॉक्टर चार लोगों को दिखा के, HIV में ऐसा नहीं, उसको अलग से लेके छुपके, कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा, दरवाजा बंद करो उसके कान में बोल दो, राइट? वो भी घबरा जाएगा, ठीक है ना, फिर सोचेगा क्या हुआ था, कब कहाँ गया था, राइट? कुछ भी अपने आप को एसोसिएट करेगा जैसे भी करके, राइट? पहली बार तो अब डॉक्टर चुपके एक और चीज बोल देगा, आपको ये दवा पे रहना पड़ेगा, और दवा भी मुफ्त में मिलती है, राइट? वो जो दवा है AZT, वो दवा पहले, वो दवा जो थी AZT 1984 से पहले, वो दवा ट्राई करते थे, ट्रायल था उसका, कैंसर में कीमोथेरेपी ड्रग है वो ऑलरेडी। AZT आप देखेंगे हिस्ट्री पहले क्या था, वो कीमोथेरेपी में, कीमोथेरेपी क्या होता है, व्हाट इज कीमोथेरेपी, इम्यूनिटी को बढ़ाता है घटाता है, घटाता है ना, कीमोथेरेपी क्या करता है, इम्यूनिटी घटाता है, कोई भी कीमोथेरेपी ड्रग क्या करेगा, इम्यूनिटी घटाएगा। तो ये कीमोथेरेपी ड्रग था, वो हिस्ट्री में है ऑलरेडी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल में मिल जाएगा आपको, कहीं भी मिल जाएगा, कोई बता देगा, पहले वो कीमोथेरेपी में यूज करते थे इम्यूनिटी को घटाने के लिए। तो अब जब वो दवाई कोई लेगा तो इम्यूनिटी घटेगी कि बढ़ेगी, तो वो किसका पेशेंट बन गया, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का पेशेंट अब बन गया। और जब भी इम्यूनिटी घटती है तो बॉडी क्या करता है, वो टूल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, इस टेस्ट में पॉजिटिव आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। फिर क्या हुआ, वो जो पेशेंट था वो गांव चला गया, सप्लाई ऑफ मेडिसिन बंद हो गई 3-4 महीने के लिए, और उसके बाद उसने गलती से टेस्ट करा लिया तो बॉडी ने वो एंटीबॉडी बनाना बंद कर दिया। अब टेस्ट में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। ऐसे सैकड़ों एग्जांपल है, लेकिन वो तो बोल ही नहीं सकता किसी को, फिर वो डॉक्टर को बोल सकता जाके कि मैंने 3-4 महीने दवा नहीं ली, अब तो नेगेटिव आ गया, लेकिन वो डॉक्टर क्या करेगा, उसको धमका देगा, अरे भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, आप मर जाओगे, चुपचाप खाते रहो, जैसा बोला है, ज्यादा दिमाग लड़ाओ मत अपना,